सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, शाओमी कंपनी ने जो रेडमी है यानी इंडिया में अब जो उसका टीज़ हो चुका है रेडमी नोट 7 के बारे में, तो आप देख सकते हो पोस्टर ऐसा आपको दिख रहा होगा और इसमें अब 7 लिख कर आ रहा है। तो इसमें आपको फाइनली अब रेडमी नोट 7 अब लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जिसकी तारीख बताई गई है 28 फरवरी को, यानी कि जो अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ आपको नया मिलता है, इसी के बारे में बताना चाहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वीडियो लाता रहूंगा। तो दोस्तों, ये ऑलरेडी एक फोन चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, पर लेकिन अब इंडिया में अब आने वाला है। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ आपको नया इसमें मिल जाता है। जो स्पेसिफिकेशन जो कहती है, तो इसकी स्पेसिफिकेशन में मैं हाईलाइट कर दूं, तो इसमें आपको 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस की 19:9 डिस्प्ले रेशियो वाली आपको एक यू शेप नॉच वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है, और ये अलग से रेडमी का एक सब ब्रांड बन के आपको अलग से फोन मिलने वाला है। और इसमें भी आपको जो पीछे की तरफ जो बैक पैनल मिलता है वो भी आपको अच्छी ग्लॉसी फिनिश के साथ में, जो अभी तक के टिपिकल जो शाओमी के रेडमी फोन आते थे वो एक ही कलर वेरिएंट या एक ही सिंगल पीस कलर में मिलते थे, पर अब टू टोन कलर में या ग्रेडियंट कलर में आपको ये डिजाइन मिलेगा। तो ये भी अच्छी एक आपको नया चेंज आपको मिल जाएगा इस रेडमी के फोन में। लेकिन इसमें आपको जो चिपसेट है उसकी मेन खासियत यही है कि इसमें आपको चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन 660 मिलता है, जो आपको मी A2 में आपको मिलता था, जो इसका 16-17 हज़ार की प्राइस मिलता था, पर अब ये 10-12 हज़ार की प्राइस में आपको ये स्नैपड्रैगन 660 आपको मिल जाएगा, जो एक ऑक्टाकोर पावर प्रोसेसर है। तो ये भी अच्छी बात है कि आपको इसमें रेडमी के नोट 7 में आपको ऑक्टाकोर पावर प्रोसेसर आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको तीन अलग अलग वेरिएंट चाइना में मिल जाते हैं, 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज और 6 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज। तो देखते हैं कि जो रेडमी कंपनी अब इंडिया में कैसे फ़ोन लाता है, क्योंकि जो पहले जो दूसरे फ़ोन थे रेडमी नोट 5 प्रो और रेडमी नोट 6 प्रो, ये दोनों वेरिएंट में आपको 4GB 64 और 6GB 64GB दो अलग अलग वेरिएंट आपको मिलते थे, 3GB वाला वेरिएंट आपको नहीं मिलता। लेकिन जो 3GB वाला वेरिएंट ऑलरेडी एक चाइना में मिलता था पर इसमें इंडिया में नहीं लाता, तो अब देखते हैं कि इंडिया में अब ये 3GB वाला वेरिएंट आपको मिल पाता है कि नहीं मिलता। दूसरी बात, इसमें आपको 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज लगाने का ऑप्शन आपको मिलता है, पर लेकिन ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है तो ये बात भी ध्यान रखेगा। दूसरी बात, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रियर माउंटिंग कैमरा आपको मिल जाता है, जिसमें आपको सोनी का GM1 का सेंसर आपको मिलता है। दूसरा जो कैमरा डेप्थ सेंसिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है। जो प्राइमरी कैमरा, इसका एपर्चर F1.8 का इसमें एपर्चर मिल जाता है। जो सेकेंडरी कैमरा, इसमें आपको F2.2 का इसमें एपर्चर मिलता है। ड्यूअल टोन LED फ्लैश आपको मिल जाती है और 4K तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, तो ये भी अच्छी बात है। फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, इसमें भी आपको HDR का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है, सेल्फी तो अभी अच्छी मिलने वाली है। पर शाओमी की जो सेल्फी और कैमरा की बात करें तो वो कैमरा जब आएगा तभी पता चलेगा कि कैमरा का रिजल्ट कैसा है। अब बात आती है इसके बैटरी और सॉफ्टवेयर की, तो बैटरी में भी आपको कमाल बैटरी मिल रही है, 4000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। इसमें भी आपको बताना चाहूंगा क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, और इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट भी मिलता है, जो शाओमी के जो मी A2 में ही मिलता था, बाकी कोई फोन में आपको नहीं मिलता था टाइप सी पोर्ट, अभी जो इंडिया में मिल रहा है। तो आपको एक अच्छी बात है कि आपको इसमें आपको मिल जाता है टाइप सी पोर्ट, तो ये भी अच्छी बात है। दूसरी बात, इसमें आपको एंड्रॉइड ओरियो 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा MIUI 10 के साथ में, तो ये भी अच्छी बात है, तो इंडिया में भी आपको यही सेम फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। दूसरी बात, इसमें जो नॉर्मल सेंसर वो तो सेंसर आपको मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड आपको मिल जाता है 3 इसमें आपको मिलेगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, टाइप सी का पोर्ट आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 भी आपको इसमें मिल जाता है। इसमें 3 अलग अलग कलर वेरिएंट आपको इसमें मिल जाते हैं, ट्वी लाइट गोल्ड, एक दूसरा फैंटेसी ब्लू एंड ब्राइट ब्लैक, ये 3 अलग अलग कलर वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। तो देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से कलर आपको मिलने वाले हैं, जो शाओमी ने जो रेडमी के जो हेड ने बताया इसी तरह कौन सा कलर आपको मिलने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा 28 फरवरी को। प्राइस की बात करें तो चाइना में जो अभी अवेलेबल जो प्राइस है उसकी प्राइस, तो 3GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस चाइनीज यूएन के कन्वर्ट करते हैं तो 10,300 की प्राइस में आपको मिल जाता है। जो 4GB वाला वेरिएंट है वो आपको 12,400 की प्राइस में आपको मिल जाता है, और 6GB वाला वेरिएंट है वो 14,500 की प्राइस में आपको चाइना में अभी फिलहाल मिल रहा है। तो देखते हैं कि जो दुबई में भी आपको एक 3GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है, पर इंडिया में अभी तक 3GB वाला वेरिएंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कंफर्म अभी नहीं बता रहा है, क्योंकि जो शाओमी जब 28 फरवरी को लॉन्च करेगा तभी पता चलेगा कि कौन से वेरिएंट आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।